स्त्री का अपना स्थान होता है। बहुत से आदमियों की ऐसी गंदी आदत होती है कि अपने स्त्री को अत्यंत बुरी तरह से और बहुत ही गंदी दशा में रखते हैं और खुद बहुत अच्छी हालत में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा होगा, या उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक पत्नी व्रत नहीं रहता, या तो आप विवाह ना करें, अगर आप विवाह करते हैं तो जो कुछ भी विवाह के उसके जो मंगल पद हैं उनके साथ आपको रहना चाहिए। जो आदमी विवाह करके और उसका उल्लंघन करता है, उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं और वो इसलिए शासित होता है। हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं हैं। आजकल ऐसी दुनिया हो गई कि हम इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि वाह, हम तो राजा साहब हो गए और हमारी तो मैत्रानी घर में, उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें हमें तो कुछ करता ही नहीं। ये बात नहीं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको श्वास की बीमारी लगती है, आपका सांस फूलने लग जाता है, अनायास आप चलते हैं तो आपको लगता है मेरा श्वास फूल रहा है, आप में बड़ा क्रोध आ सकता है, इसे क्रोध भी बहुत आ सकता है और इससे आगे चल करके आपको कैंसर हो सकता है लंग्स का और इस तरह की अनेक बीमारियां हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको इसी चक्र की वजह से हो, अनेक चक्रों से भी हो सकती है, लेकिन एक बीमारी से हो सकती है इस तरह से। इसलिए जो इंसान अपनी पत्नी का लक्ष्मी स्वरूप, उसका मान सम्मान घर में नहीं रखता है, उसमें अनेक तरह से पीड़ित होता है, उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और अगर बच्चे ने उसकी इज्जत भी की तो भी वे व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि माँ ये शक्ति स्वरूप होती है। अपने देश में माँ का बड़ा मान है, और जब पुरुष ये समझ लेता है कि मेरे बच्चों की माँ है, तब उसे लक्ष्मी स्वरूप अगर न समझे तो उसने श्री रामचंद्र जी को नाराज़ कर दिया, इतना ही नहीं हनुमान जी को नाराज़ कर दिया। हनुमान जी की तो ये दशा थी कि उन्होंने रामचंद्र जी के विरोध में भी सीता जी को सपोर्ट किया था, तो ऐसे हनुमान जी से बहुत बच के रहना पड़ता है। हनुमान जी तो आप जानते हैं कि बड़े बीहड़ देवता है, वो अगर कभी नाराज़ हो जाए तो वो सीधे सीधे नाराज़ नहीं होते हैं, उनके तरीके इतने गड़बड़ होते हैं कि आप लोग बिल्कुल उनके चक्कर में मत आइए। मैं आपसे सच सच बताती हूँ कि वास्तविक मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि हम अनायास ही कितने दुख बेकारी में अपने पे जोड़ते हैं, और लोग कहते हैं तो भगवान ने ही सब दुख भरा है। क्या भगवान ने कहा था कि आप विवाह करो, विवाह वेदी पर पत्नी बनाओ और उसके बाद में बेवकूफियाँ करते घूमो? विवाह संस्था ज़रूर भगवान ने बनाई है, हर विवाह संस्था में वो खुद हाजिर होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन विवाह के बंधन को हम उसको मंगल और शुभ और कल्याणकारी बनाते हैं कि एक आफत मचाए रखते हैं। खासकर आजकल के ज़माने में इतनी गंदी प्रथा चल पड़ी है कि जब भी मजाक करना हो तो पत्नी का मजाक करते हैं। पत्नी ये बहुत बड़ी पूजनीय चीज़ है, ऐसा कहा जाता है यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहीं देवता का रमण होता है। आजकल जो इतने राक्षस यहाँ आ गए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ नारी जाति का बड़ा अपमान होता है। हालांकि मैं आपसे ये कहूँगी कि हिंदुस्तान की स्त्री जैसे स्त्री आपको संसार में नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान की माँ जैसी माँ आपको संसार में नहीं मिलेगी। हम लंदन में रहते हैं, हमने देखा, हमें तो आश्चर्य होता है कि वहाँ की माएँ हैं कि दाइयाँ भी उससे अच्छी अपनी यहाँ की, इस तरह से वो लेती हैं, बिल्कुल मर्सिनरी। बच्चों के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, पति के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, ज़रा सी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो डिवोर्स करने को खड़ी हो जाती है। घर में कोई काम नहीं करती, आदमी को सुबह से शाम तक बिल्कुल उन्होंने बेहतर बना दिया, आदमी को तो हालत ऐसी चौपटा दी है। और कहते हैं कि हम भी पहले हिंदुस्तानी औरतें जैसी थी, लेकिन हमने समझ लिया कि आदमी ऐसे नहीं ठीक होता तो उसके हम खोपड़ी पे चढ़ गए। अगर औरत अगर उत्पात करे तो आदमी का कोई ठौर नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ज़रा से संभल में आए, इस पर विचार करें कि आप होंगे बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन स्त्री का अपना स्थान है, आपका अपना स्थान है। अगर आप स्त्री को बहुत दबाइएगा तो जब वो स्वतंत्रता के नाम पे उठेगी तो ऐसा आपको ठिकाना लगाएंगे, आप देख ही चुके हैं, एक तो लगा चुकी हैं आपको ठिकाना, वो उसी यूपी के देश से पैदा हुई जहाँ सीता जी को घर से निकाल दिया था, और अब देखिए जो आई हुई हैं इस तरह के नमूने। इसलिए आप समझ लीजिए कि औरत की जो सहिष्णुता है, उसका जो प्रेम है, उसका महत्व करना चाहिए, क्योंकि प्रेम संसार में आप खरीद नहीं सकते। जब औरत क्रूएल हो जाती है तो सोच लीजिए कि वो मनुष्य भी ज़्यादा इतनी भयंकर नराधम हो जाती है कि आप उससे मुकाबला नहीं ले। इसलिए अपने यहाँ अपनी लड़कियों का आदर करना, अपनी पत्नी का आदर करना, ये बहुत ज़रूरी है।